मूवी की शुरुआत 2005 साल में होती है। यहाँ ये बताया जाता है कि इंसानों का बहुत जल्द इवोल्यूशन रुकने वाला है। ज़्यादातर साइंटिस्ट ने यह प्रेडिक्ट किया था कि टाइम के साथ इंसान और ज़्यादा होशियार होते जाएंगे, पर इवोल्यूशन के साथ इंसान अपने टॉप ब्रेन लेवल पर पहुँच चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि यहाँ से अब वो सिर्फ नीचे ही जा सकते हैं। लोग टाइम के साथ और ज़्यादा बेवकूफ़ होते जाएंगे। इन कंडीशंस को देखते हुए US आर्मी के लाइब्रेरियन कॉर्पोरल जो के पास उसके सीनियर्स मिलने आते हैं और उसे एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने के लिए कहते हैं। जो ये सुनते ही बहुत भड़क जाता है, क्योंकि उसका प्लान रिटायर होने तक यहीं पर टाइम पास करने का था, पर उसे ऑर्डर्स मानने ही पड़ेंगे। अगले सीन में एक प्राइवेट मीटिंग में मिलिट्री के ऑफिशियल्स कुछ डिस्कस कर रहे हैं। जनरल कोलिंस अपना आइडिया बाकी ऑफिसर्स के साथ शेयर करता है। वो कहता है कि साइंटिस्ट ने एक बहुत ही मैजिकल इन्वेंशन किया है। इसका यूज़ करके किसी भी इंसान को कई सालों के लिए प्रिजर्व किया जा सकता है। इस मशीन का यूज़ करके बहुत वैल्यूएबल लोगों को प्रिजर्व किया जा सकता है, और टाइम आने पे उन्हें मशीन से बाहर निकाल के उनके आइडियाज़ का यूज़ किया जा सकता है। उन सभी ने जो को इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने के लिए इसलिए चुना है क्योंकि उसका मिलिट्री में कुछ खास काम नहीं है और उसकी फैमिली में भी कोई नहीं है। उन्हें इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक लड़की भी चाहिए, पर जो जैसी कोई लड़की मिलिट्री में है ही नहीं। इसलिए कोलिंस रीटा नाम की एक कॉल गर्ल को इस एक्सपेरिमेंट के लिए चूज़ करता है। कुछ देर बाद ही वो सबको रीटा के मैनेजर अपग्रेड के साथ पार्टी करते हुए अपनी फ़ोटो दिखाता है, जिसे देख बाकी सभी बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। वो अपना प्रेजेंटेशन ये कह के ख़त्म करता है कि कल दोनों जो और रीटा को मशीन में डाला जाएगा और ये एक्सपेरिमेंट पूरे एक साल तक चलेगा, क्योंकि ये एक टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट है। रूम में बैठे ऑफिशियल्स इसकी डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। अगले दिन जो और रीटा को एक रूम में साथ बैठे दिखाया जाता है। जो उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और उससे पूछता है कि वो किस डिपार्टमेंट से है। रीटा उसे ये सच नहीं बताना चाहती कि वो एक कॉल गर्ल है, इसलिए वो जो से कह देती है कि वो एक पेंटर है। कुछ देर बाद ही उन दोनों को ह्यूमन हाइबरनेशन पॉड्स में डाल दिया जाता है। थोड़ी देर में ही रीटा को घबराहट होने लगती है, पर जो उसे ये कह के शांत करने की कोशिश करता है कि साइंटिस्ट को पता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। वो रीटा से कहता है कि वो लोग पॉड के अंदर सिर्फ एक साल के लिए रहने वाले हैं, इसलिए उसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद ही उन दोनों को पॉड के अंदर सील कर दिया जाता है, लेकिन कुछ दिन में ही सब कुछ गड़बड़ होने लगता है। ऑफिसर कोलिंस को कॉल गर्ल्स का एक धंधा चलाने के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है और अपग्रेड को भी उसके साथ लपेट लिया जाता है। इसी वजह से अब हाइबरनेशन पॉड पे नज़र रखने वाला कोई नहीं है। स्कैंडल की वजह से मिलिट्री बेस को भी बंद कर दिया गया है और जिस बिल्डिंग में जो और रीटा थे उन्हें गिरा दिया जाता है। वो दोनों सालों साल इन्हीं पॉड के अंदर बेहोश पड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई आइडिया नहीं कि बाहर क्या चल रहा है। जो और रीटा की कंडीशन देख के डरावनी लग सकती है, पर पॉड के बाहर के इंसानों की कंडीशन और भी ख़राब है। सभी बड़ी तेज़ी से और ज़्यादा बेवकूफ़ होते जा रहे हैं। एक इंसान की एवरेज स्मार्टनेस टाइम के साथ बहुत नीचे जा रही है। कुछ लोगों को अभी भी उम्मीद है कि इंजीनियर्स और साइंटिस्ट इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकाल ही लेंगे, पर दुनिया के सबसे स्मार्ट साइंटिस्ट स्टूपिड से प्रॉब्लम्स ठीक करने में लगे हुए हैं, जैसे हेयर लॉस होने से कैसे रोके। इसी बीच दुनिया की पॉपुलेशन एकदम से बढ़ने लगती है और लोग 2505 साल तक लगातार और ज़्यादा बेवकूफ़ होते जाते हैं। लोग इतने बेवकूफ़ हो गए थे कि वो लोग सिंपल से प्रॉब्लम भी नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, जैसे कि कूड़े को कैसे जलाए। इसी वजह से सालों का कूड़ा लोग एक जगह जमा करते जा रहे थे और उन्हें कोई आइडिया नहीं कि इस कूड़े से कैसे निपटना है। 2505 साल तक ये कूड़े का ढेर इतना बड़ा हो गया था कि अब वो खिसक के सिटी तक आने लगा था। और एक दिन इसी वजह से जो का हाइबरनेशन पॉड किसी के घर में जाके घुस जाता है। कुछ देर बाद ही जो उस पॉड से बाहर निकलता है, वो पूरी तरह कन्फ्यूज दिख रहा है। जिसके घर उसका पॉड घुसाया था उसका नाम फ्रीटो है। फ्रीटो उसके घर में घुसाए कूड़े को और जो को पूरी तरह इग्नोर कर टीवी में घुसा रहता है। वो सिर्फ उठ के जो से ये कहता है कि टीवी देखते वक्त उसे डिस्टर्ब ना करें। फिर दिखाया जाता है कि फ्रीटो के काउच में ही टॉयलेट बना हुआ है ताकि उसे बार बार उठ के ना जाना पड़े, लेकिन जो उसे बार बार पूछने लगता है कि वो कहाँ पे है, इसलिए वो जो को विंडो से बाहर फेंक देता है। बाहर की दुनिया जो को बहुत ही कन्फ्यूजिंग लग रही है। ये सब देख वो अपने आप से कहता है कि एक साल में कितना कुछ बदल गया, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं कि अभी 2505 साल चल रहा है। जो आगे जाके कुछ लोगों को देखता है जो बात करते वक्त कुछ अजीब वर्ड्स का यूज़ कर रहे थे। जो उनसे बात करने की कोशिश करता है, पर जो की बातें सुन के वो उसे डरा के भगा देते हैं। जो को अभी भी नहीं समझ आ रहा कि क्या चल रहा है, उसका सर भी भारी लगने लगता है, इसीलिए वो एक हॉस्पिटल में जाने की सोचता है। हॉस्पिटल पहुँच के वो रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि वो आर्मी से है। उस लड़की को जो की बात समझ नहीं आती, वो बस अपने डेस्क पे बनी एक बटन दबा देती है। तभी स्पीकर से
जो को डायग्नोस्टिक एरिया में आने के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। कन्फ्यूज जो वहाँ जाने से पहले पानी पीने के बारे में सोचता है, वाटर फाउंटेन से पानी की जगह एनर्जी ड्रिंक निकलने लगती है जिसका नाम ब्रवंडो है। जब जो पास खड़े एक आदमी से ये पूछता है कि उसे पीने का पानी कहाँ मिलेगा, ये सुनते ही वो आदमी हंसते हुए जो से कहता है कि तुम ऐसी चीज़ क्यों पीना चाहते हो जो टॉयलेट में यूज़ की जाती है। यहाँ ये बताया जाता है कि दुनिया में सभी लोग अब नहाने पीने और बाकी कामों के लिए एनर्जी ड्रिंक ही यूज़ करते हैं, पानी का यूज़ सिर्फ टॉयलेट में किया जाता है। कुछ देर बाद ही जो डायग्नोस्टिक एरिया में चले जाता है जहाँ उसे अपने मुँह में, अपने कान में और अपने पिछवाड़े में एक डिवाइस डालना होगा। वहाँ काम करने वाला आदमी पिछवाड़े में डालने वाला डिवाइस को मुंह में डालने वाले डिवाइस के साथ मिक्स कर देता है। उस दिन बाद ही जो को सारे प्रोसीजर्स करके डॉक्टर के पास भेज दिया जाता है। वेट करते वक्त वो एक मैगजीन में 2505 ईयर प्रिंटेड देखता है और उसे लगता है कि ये गलती से प्रिंट हो गया होगा। कुछ देर बाद ही डॉक्टर जो के रिपोर्ट्स देख के शानदार कहता है। वो फिर जो से कहता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिर वो उसे $5 बिलियन का एक बिल दे देता है। तभी जो बिल पे 2505 साल लिखा देखता है। अब जाके उसे रियलाइज़ होता है कि वो अपने पॉड के अंदर 500 साल से सो रहा था। फिर जो विंडो के पास जाके सिटी की कंडीशन देखने जाता है जो कि बहुत ही बेकार थी। बिल्डिंग्स एक दूसरे के ऊपर गिर रही थी और लोगों ने कुछ बिल्डिंग्स को गिरने से बचाने के लिए उन्हें रस्सी से बांध रखा था। इसके अलावा पूरी सिटी में कूड़ा भरा हुआ था। इसी बीच डॉक्टर ये देख के डर जाता है कि जो के हाथ में सिटीजन टैटू नहीं बना हुआ है। जो पैनिक करने लगता है और वहाँ से भाग जाता है और तभी डॉक्टर पुलिस को कॉल कर देता है क्योंकि जो ने अपना बिल पे नहीं किया था। तभी मूवी में यह बताया जाता है कि जो के नींद खुलने से पहले दुनिया ने बहुत कुछ बुरा झेला है। इकनॉमी पूरी तरह ठप पड़ी हुई है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है और US में सबसे नंबर 1 मूवी का नाम पिछवाड़ा है। जो वो मूवी देखने भी चले जाता है जिसे ऑस्कर भी मिल चुका है, लेकिन उसे 1 घंटे की मूवी में पूरे टाइम एक आदमी के पिछवाड़े के अलावा कुछ नहीं दिखता। रात में जो को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि पुलिस उसका टैटू स्कैन नहीं कर पाई थी। फिर उसे कोर्ट में ले जाया जाता है। कुछ देर बाद ही उसका केस लड़ने के लिए एक लॉयर दिया जाता है जो कि और कोई नहीं फ्रीटो ही है। ये वही आदमी है जिसके घर जो का पॉड कूड़े के साथ घुस आया था। फ्रीटो उसकी हेल्प करने की जगह उसी का मजाक उड़ाने लगता है। जो फिर अपना केस खुद ही लड़ता है और सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उसके हाथ में सिटीजन टैटू क्यों नहीं है, लेकिन उसकी बात सुनते ही लॉयर्स और जज जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ही जज ये डिक्लेयर कर देता है कि जो ही दोषी है और उसे जेल भेज दिया जाता है। इसी बीच रीटा भी अपने पॉड से बाहर आ जाती है और तुरंत अपने बॉयफ्रेंड अपग्रेड को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी को कॉन्टैक्ट नहीं कर पाती क्योंकि फ़ोन उससे $2000 मांगता है और उसके पास पैसे नहीं है। थोड़ी देर बाद ही वो एक आदमी को बेवकूफ़ बना के उसके पैसे ले लेती है। वहीं दूसरी ओर जो को एक ऑटोमेटिक टैटू बनाने वाली मशीन के पास ले जाया जाता है जो सिटीजन की आइडेंटिटी कार्ड की तरह है और उसका यूज़ करके ही पुलिस सभी को स्कैन कर सकती है। मशीन जो से उसका नाम पूछती है और जो उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि वो श्योर नहीं है कि यहाँ क्या चल रहा है, जिस वजह से मशीन को लगता है कि उसका नाम नॉट श्योर है और उसी नाम का टैटू उसके हाथ में बना दिया जाता है। उसके आसपास के लोग भी उसे नॉट श्योर कह के बुलाने लगते हैं। इसके बाद जो को एक एप्टीट्यूड और IQ टेस्ट के लिए ले जाया जाता है। उसे वहाँ पे बेसिक से क्वेश्चंस किए जाते हैं। जो सारे क्वेश्चंस का आंसर ठीक देता है, लेकिन वो ये देख के सरप्राइज्ड है कि उसके आसपास के लोगों को इन सिंपल से क्वेश्चंस को समझने में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद उसे जेल ले जाया जाता है। उसे फाइनली ये समझ आने लगता है कि 2505 साल में सभी लोग बहुत ही स्टूपिड है, इसलिए वो एक गार्ड से कहता है कि आज उसके जेल से निकलने का दिन है। ये सुनते ही गार्ड उसे जाने देता है, पर तभी अलार्म बजने लगता है जिसका मतलब है कि एक कैदी भाग गया है। कुछ देर बाद ही पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। जो उनसे बाल बाल बचता है और जैसे तैसे फ्रीटो के पास पहुंच जाता है। जो को ये लगता है कि साइंटिस्ट ने 500 साल पहले एक टाइम मशीन बनाई थी। वो फ्रीटो को उस मशीन को ढूंढने में उसके हेल्प करने के लिए कहता है। फ्रीटो उसकी कोई हेल्प नहीं करना चाहता, पर जो उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए कहता है कि अगर उसने हेल्प की तो वो फ्रीटो को $8 बिलियन देगा। ये सुनते ही जो उससे कहता है कि उसे पता है कि टाइम मशीन कहाँ है, लेकिन तभी पुलिस फ्रीटो के डोर पे नॉक करती है। ये दोनों विंडो से कूद के वहाँ से भाग निकलते हैं और एक म्यूजियम की ओर भागने लगते हैं। रास्ते में जो रीटा को देखता है जो अभी भी लोगों को बेवकूफ़ बना के उनके पैसे लूट रही है। जो को देखते ही रीटा तुरंत उसकी कार में बैठ जाती है। उसे डर है कि अपग्रेड उसके लिए परेशान होगा, लेकिन रीटा को इस बात की कोई खबर नहीं है कि अपग्रेड अब इस दुनिया में नहीं है। आगे बढ़ते वक्त एक डिवाइस जो के टैटू को स्कैन कर लेती है और पुलिस को उनकी लोकेशन भेज देती है। कुछ देर बाद ही उनकी कार की बैटरी भी ख़त्म हो जाती है।
जिस कारण उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। उनके कार से निकलते ही पुलिस वहां आके उनके कार पे फायर करने लगती है। जो रीटा और फ्रिटो दूर से ये देख रहे हैं, फिर वो इस उम्मीद में आगे बढ़ने लगते हैं कि वो टाइम मशीन तक पहुंच जाए। फ्रिटो फिर इन दोनों को कॉस्को नाम की जगह ले जाता है जहां सिटी के सारे बिजनेस डील्स होते हैं। फ्रिटो ने अपनी लॉ की पढ़ाई भी यहीं से की थी। कुछ दूर जाते ही वो मेट्रो स्टेशन तक पहुँच ट्रेन आने का वेट करने लगते हैं। तभी रीटा वॉशरूम चले जाती है। उसके वापस आने से पहले ही जो का टैटू गलती से एक मशीन स्कैन कर लेती है। ऐसा होते ही चारों तरफ ऑटोमेटिकली ये खबर फैलने लगती है कि इस जगह पे एक क्रिमिनल है। मेट्रो के आते ही फ्रिटो उसमें चढ़ जाता है और जो रीटा का वेट करना चाहता है। रीटा तो नहीं आती और पुलिस वहाँ आके उसे पकड़ लेती है, लेकिन उसे इस बार जेल नहीं व्हाइट हाउस ले जाया जाता है। वहाँ पहुँच के कन्फ्यूज जो प्रेसिडेंट कैमाचो और उसके सेक्रेटरी से मिलता है। कैमाचो अंदर आते ही उसका ये कह के मजाक उड़ाने लगता है कि उसे लगा था कि जो का सिर साइज में बड़ा होगा क्योंकि वो स्मार्ट है। यहाँ ये पता चलता है कि जो IQ टेस्ट जो ने जेल में दिया था उसके रिजल्ट देख के सब सरप्राइज है, क्योंकि उन लोगों ने आज तक इतना हाई IQ किसी का नहीं देखा था। उन सबसे ज़्यादा होशियार होने के कारण प्रेसिडेंट जो को उसके सेक्रेटरी के टीम में ऐड कर लेता है। इसके अलावा वो लोग जो को दुनिया का सबसे होशियार इंसान भी घोषित कर देते हैं। इसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अनाउंस करता है कि उनके कंट्री में खाने और कूड़े के प्रॉब्लम को उसका नया सेक्रेटरी नॉट श्योर सॉल्व कर सकता है। वो सबसे ये भी कहता है कि वो जो के जेल टाइम को भी माफ़ कर देगा अगर वो उनकी कंट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया तो। इसके बाद एक कैबिनेट मीटिंग रखी जाती है जहां सेक्रेटरीज जो से कुछ स्मार्ट बात करने के लिए कहते हैं। ये सुनते ही जो कुछ रैंडम कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स बोलने लगता है, जिसे सुनते ही सब श्योर हो जाते हैं कि वो एक्चुअल में बहुत स्मार्ट है। कुछ देर बाद जो फ्रिटो से कहता है कि वो उसे टाइम मशीन तक पहुंचने का एक मैप ड्रॉ करके दे, तब तक वो बाकी लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा। कुछ देर बाद ही वो सभी को एक बंजर पड़े खेत में ले जाता है और कहता है कि यहाँ अनाज की खेती करने की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। जो रीटा को भी वहाँ लाने के लिए कहता है क्योंकि वो उनकी और ज़्यादा हेल्प कर सकती है। सब लोग एक खेत में पहुँच गए हैं जहाँ पे फ्रिटो चुपके से जो को वो मैप दे देता है। उसी वक्त रीटा भी वहाँ आ जाती है। कुछ देर बाद जो रीटा को साइड में ले जाता है इस उम्मीद में कि वो दोनों मैप का यूज़ करके वहाँ से भाग निकलेंगे, और उसका प्लान तब फेल हो जाता है जब वो देखता है कि फ्रिटो का मैप यूज़लेस है। जो को फिर एकदम से ये रियलाइज़ होता है कि किसान खेतों में पानी की जगह एनर्जी ड्रिंक डाल रहे हैं, इसीलिए वो एक कैबिनेट मीटिंग रख के सबको ये कहता है कि उन्हें अब खेती करने के लिए पानी का यूज़ करना होगा। ये आइडिया सबको बहुत ही बकवास लगता है। उनसे बहस करने की जगह जो उनसे कहता है कि वो पेड़ पौधों से बात कर सकता है और उन्हें पानी चाहिए, लेकिन जो को इस बात की कोई खबर नहीं है कि इतने साल से फसल पे एनर्जी ड्रिंक डालने की वजह से ज़मीन पे नमक की एक लेयर जम गई थी और इसी कारण अब फसल निकलना बंद हो गई थी। जिसका ये मतलब है कि खेती में पानी का यूज़ करके जो एक्चुअल में उनकी हेल्प कर रहा है। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जल्द ही एनर्जी ड्रिंक के स्टॉक तेज़ी से गिरने लगते हैं क्योंकि उसका प्रोडक्शन अब कम हो गया था। इस वजह से सिटी के आधे लोगों की नौकरी चली गई थी। वो सभी लोग व्हाइट हाउस के बाहर आके हंगामा करने लगते हैं। न्यूज़ में रिपोर्ट बताई जाती है कि लोगों के बेरोजगार होने के पीछे जो का हाथ है, और उसे कोर्ट में इस इल्ज़ाम के लिए दोषी भी बताया जाता है। उसे एक रात के रिहैबिलिटेशन की सज़ा सुनाई जाती है। 2505 साल में रिहैबिलिटेशन का मतलब है कि एक बड़ा सा ट्रक एक ग्राउंड में क्रिमिनल का पीछा करेगा और ऑडियंस में बैठे लोग ट्रक के लिए चीयर करेंगे। ज़्यादातर रिहैबिलिटेशन में क्रिमिनल की मौत हो जाती है। जो को पुलिस वाले ग्राउंड तक ले जाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर रीटा व्हाइट हाउस वापस लौट जाती है और अब फ्रिटो के साथ टाइम मशीन तक जाने के लिए रेडी है। रिहैबिलिटेशन को नेशनल टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट किया जाने लगता है। जो का पीछा एक बड़ी सी ट्रक कर रही है, वहीं उसे भागने के लिए एक छोटी सी कार मिली है। लेकिन तभी रीटा विंडो के बाहर एक फ्रेश रोज प्लांट देखती है। जो के पौधों को पानी देने का आइडिया काम करने लगा था, इसीलिए फ्रिटो से उसे जो के ग्राउंड तक ले जाने के लिए कहती है। उसका प्लान इन पौधों को नेशनल टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट करने का है ताकि वो लोग जो को जाने दे। वहीं दूसरी तरफ जो अभी भी उस बड़े से ट्रक से अपनी जान बचाने में लगा हुआ है। रीटा टाइम पे वहाँ पहुँच जाती है और एक कैमरामैन को रिश्वत देके उसे फ्रिटो के साथ जाने के लिए कहती है ताकि वो उन पौधों का वीडियो बना सके। वो फिर मॉनिटरिंग रूम में जाके बड़ी चालाकी से कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। फ्रिटो फाइनली खेतों तक पहुँच के पौधों का वीडियो बनाने लगता है। जैसे ही रीटा को वो वीडियो मिलती है, वो उसे ब्रॉडकास्ट करने लगती है। ये देखते ही प्रेसिडेंट कैमाचो ग्राउंड में जाके जो को मरने से बचा लेता है और उसके सारे पनिशमेंट को माफ़ कर देता है। फिर क्राउड जो के लिए चीयर करने लगती है। कुछ देर बाद ही सभी को व्हाइट हाउस में जो की जीत की पार्टी में दिखाया जाता है।
वहाँ रीटा उससे कहती है कि वो वापस पास में नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे अब ये जगह पसंद आने लगी है। जो उसकी बात सुनकर सरप्राइज है पर वो रीटा को साथ आने के लिए फोर्स नहीं करता। जो उसे गुड बाई कह के जाने ही वाला था कि तभी प्रेसिडेंट उसे स्टेज में बुला के उसे वाइस प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देता है। सब लोग बड़ी उम्मीद से जो की तरफ देखने लगते हैं जिस वजह से वो भी 2505 साल में रुकने के लिए मान जाता है। कुछ देर बाद जो फ्रीटो और रीटा के साथ जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि वो जिस टाइम मशीन के भरोसे बैठे थे वो एक्चुअल में एक बच्चों का झूला है। इसके बाद कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। लोगों ने अब जो को वोट डाल के US का प्रेसिडेंट बना दिया है और रीटा ने उससे शादी कर ली है जिस कारण वो फर्स्ट लेडी बन गई है। जो के प्रेसिडेंट बनते ही लोगों की आंखों में फिर से उम्मीद देखी जा सकती है। सभी को लगता है कि ये दुनिया के लोग फिर से स्मार्ट हो सकते हैं। कुछ साल बाद ही जो और रीटा के 3 बच्चे भी हो जाते हैं जिन्हें इस दुनिया के सबसे स्मार्ट बच्चे कहा जाने लगता है।